नमस्कार, एनडी टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। हम लगातार जोशीमठ से ताजा जानकारी, तस्वीरें, आवाजें, प्रशासन क्या कह रहा है आपके बीच लेकर के आ रहे हैं। इस वक्त अगर हम बताएं तो तापमान यहां बहुत गिर चुका है। बारिश हो रही थी जो अभी रुकी है। बारिश के चलते जिन दो होटलों को तोड़ने का काम शुरू किया गया था, जो कि बिल्कुल गिरने की कगार पर थे, होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू, वहां पर भी उनको तोड़ने का काम रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगभग डेढ़ दिन यहां रहे और यहां के लोगों से मिलकर चले गए। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी जोशीमठ को लेकर के अहम बैठक की है। सबकी नजरें जोशीमठ पर है। जोशीमठ जो शहर है, पौराणिक शहर है, वो क्या धस जाएगा? हमारे साथ बात करने के लिए ज्योतिर्मठ, जो कि चार मठों में से एक मठ है जोशीमठ का, उसके प्रभारी ब्रह्मचारी मुकुंदानंद जी हैं। मुकुंदानंद जी, आप सब देख रहे हैं, आज आपकी जो आवाज है यहाँ के लोगों के लिए बहुत महत्व रखती है। राहत और बचाव कार्य चल रहा है, बारिश होने लग गई है, कैसे देखते हैं इस पूरी आपदा को? देखिए, वैसे तो बारिश के लिए प्रत्येक व्यक्ति कामना करता है। जोशीमठ का व्यक्ति भी कामना करता था इस वर्ष के पहले तक कि बारिश हो, बारिश होगी तो बर्फबारी होगी, बर्फबारी होगी तो जो व्यापारी हैं, पर्यटक आएंगे, उनके रोजगार बढ़ेंगे। लेकिन इस बार की जो बर्फबारी है वो जोशीमठ के लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। इस बार की बारिश भी जोशीमठ के लोगों को अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि उनके घरों में समस्या है। और भगवत कृपा से बारिश ना होने के कारण तो अभी तक फिर भी घर अपने अपने स्थान पर स्थिर हैं। जैसे ही बारिश की बूंदें उन दरारों में प्रवेश करेंगी तो जो अनहोनी, जिसकी कल्पना हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, वो हम लोग सामने देख लेंगे। तो हम लोग तो यही कामना करते हैं कि इस समय बारिश ना हो। और मौसम लेकिन प्रकृति है, बारिश तो होगी ही। फिलहाल प्रशासन अपने स्तर पे लोगों को हटाने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन इस समय तक भी सभी परिवार को स्थानांतरित दूसरे जगह पे पुनर्स्थापित नहीं किया गया है। स्वामी जी, आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, वहां पर भी सुनवाई 16 तारीख के बाद संभव हो सकती है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन लगता है आपको कुछ देरी हो गई। ये तो बहुत पहले से कहा गया था और आप संत समाज तो पहले से आवाज उठाता रहा है उस वैश्वीकरण के, उस विकास की कीमत जो अब हजारों लोग चुका रहे, इनके घर किसी भी वक्त गिर सकते हैं, ढह सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद जो सरकार में तेजी आई है, काश ये तेजी 3 महीने पहले आ गई होती तो शायद अभी तक सबको विस्थापित कर दिया गया होता, दूसरे स्थान पे, सुरक्षित स्थानों पे रख दिया गया होता, मकानों को तोड़ दिया गया होता और इतनी बड़ी खतरा की आशंका ना होती। असल में सरकारों की समस्या ये है ना कि चाहे कोई भी सरकार हो, संवेदनहीनता की स्थिति बहुत अधिक होती, असंवेदनशील लोग होते हैं। तो हम तो यही निवेदन करेंगे कि संवेदना लाइए, संवेदना ला करके इसका ध्यान रखिए। आपने यदि जो पूर्व में महापुरुषों ने इस बात को कही कि जो प्राकृत हिमालय है, जिसके अंदर प्राकृत नैसर्गिक जल बहते हैं, जहाँ के वृक्ष महत्वपूर्ण हैं, जहाँ की वनस्पतियाँ महत्वपूर्ण हैं, आपको वृक्ष से, आपको वनस्पतियों से, आपको हिमालय के स्वरूप से, यहाँ के नदियों से लाभ नहीं दिखाई पड़ता है। उसके अंदर छेद करके, ड्रेनेज बना करके, बड़ी लंबी लंबी सुरंगें बना करके उसके अंदर आप सोचते हैं कि हमको लाभ मिलेगा। हिमालय को हिमालय रहने देंगे आप तो ज़्यादा लाभ होगा आपको। स्वामी जी, एक बात बताइए, ज्योतिर्मठ यहाँ नरसिंह मंदिर है, जो कि मतलब हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं कितने सालों से है, या शंकराचार्य जी ने तब किया है, इसीलिए ये मठ की स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी। ये गेटवे कहते हैं, बद्रीनाथ जी का गेटवे है। पर्यटन को बहुत बड़ा झटका लगा है। नैनीताल तक जो लोग आने वाले थे, उन्होंने भी अपनी बुकिंग कैंसिल करा ली है कि उनको लग रहा है कि उत्तराखंड में क्या त्रासदी होने वाली है। केदारनाथ हम सबने देखा है। तो जोशीमठ को लेकर के एक भावनात्मक जुड़ाव है पूरे देश का, पूरे समाज का, जो चार धाम की यात्रा करने आता है। बद्रीनाथ धाम एक ऐसा धाम है जिसको किए बिना मोक्ष प्राप्ति नहीं होती, ऐसी संकल्पना है। उसको लेकर के क्या भावनाएं हैं लोगों में? लोग, एक महिला मिली आज हमें, वो कहने लगी मैं आखिरी बार ज्योतिर्मठ देखने आई हूं, जहां मतलब बद्री विशाल खुद विराजमान रहते हैं, और वो ये कहकर रोने लग गई। तो एक भावनात्मक जुड़ाव भी है जोशीमठ के साथ। निश्चित रूप से ये ज्योतिर्मठ सामान्य स्थान मात्र नहीं है, कुछ लोगों की बस्ती मात्र यहाँ पर नहीं है, ये संपूर्ण उत्तर विश्व की धर्म राजधानी आज से के पिछले 2500 वर्षों से है। जहाँ तक आपदा की और समस्या की बात है, तो अवसर है, हम ये कहना चाहेंगे कि ज्योतिर्मठ के किसी क्षेत्र विशेष में ये समस्या की संभावना है। इससे उत्तराखंड के जो दूसरे स्थान हैं उन सब पे भी इस तरह की संभावना है, ऐसा ना सोचें, सब अच्छे स्थान हैं। लेकिन ये जरूर है कि हिमालयी क्षेत्र है, आप हिमालय आने के पहले ये जरूर तय करके आएं कि आप किसी पिकनिक स्पॉट पे नहीं जा रहे हैं।
जी। आप एक देवी स्थान पर जा रहे हैं तो अपने मानसिक रूप से भी शुद्ध होकर के जाएं और उसी तरह का वातावरण करना चाहें, वो फन करने की जगह नहीं, आध्यात्मिक जगह है। तो हिमालय जब आप आ रहे हैं तो हिमालय के महत्व को समझ के आपको आना चाहिए। शुक्रिया सर, हम आपके पास फिर आते रहेंगे।